इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन जानते होंगे। तो सबसे पहले इस उन मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में आपको प्रॉब्लम होती है कि किस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करें, टी या यू वी, जो भी आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं किस चीज़ को करें। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए, 1 + x² अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स हो गया, तो ये उसका डेरिवेटिव 2x है ना। 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट 1 + x² = t, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x dx, ठीक है, इक्वल्स टू t का dx/dt लिखेंगे, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रोसेस कैसे किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए, आपके लिए इस क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, आगे हम नहीं लिखेंगे किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपके लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, d/dt ऑफ 1 + x² दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ t। तो d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हटा के हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ देखिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 1 और प्लस d/dt ऑफ x² = 1। देखिए, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, d/dx चेन रूल लगा देंगे, है ना, dx/dt x² और दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल, और सॉरी डिफरेंशिएशन, 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू 1। dt उधर ले जाएंगे, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये इतना स्टेप हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर dx लिख देंगे, और इधर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dt लिख देंगे, है ना। तो ये डायरेक्ट हम लिखा करेंगे, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि लेट कर लिया 1 + x² = t, इसका मतलब 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, dx लिख दिया यहाँ पे, और t का क्या हो गया, 1 हो गया, dt, है ना, ऐसे ये डायरेक्ट लिखोगे आप। ये चीज हमने आपको समझाने के लिए बताई थी। खैर, तो ये आपका हो गया 1 dt, मतलब dt हो गया। अब अपने क्वेश्चन को ट्रांसलेट करिए डमी डमी वेरिएबल t में, जो आपने वेरिएबल एज्यूम किया है, तो 2x dx, है ना, तो 2x dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt अपान, और 1 + x² t है, dt/t मतलब 1/t dt है एक तरह से। तो 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग टी का होता है, इसका मतलब 1/t का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग ऑफ टी। तो लॉग ऑफ मॉड टी लिखेंगे हमेशा, क्योंकि लॉग की डोमेन होती है पॉजिटिव एक्स, ठीक है, प्लस इनडेफिनिट कांस्टेंट सी। टी आपका डमी वेरिएबल है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। तो टी क्या है आपका, 1 + x², तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + x². अब सोचिए, क्या इस मॉड की नेसेसिटी है, नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी निगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, ना, हमेशा पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। तो इस मॉड की कोई नेसेसिटी नहीं है, आप ब्रैकेट प्लेस कर दिए सिर्फ। तो दैट इज योर फाइनल आंसर।